द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे। आज का काम बेहतर तरीके से करना ही कल की एक अच्छी तैयारी हो सकती है। इसी पॉजिटिव कोट के साथ दोस्तों, मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है मलाबार नेवल एक्सरसाइज 2018, जो कि मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। हालांकि दोस्तों, हम अपने मित्र देशों के साथ युद्ध अभ्यास करते रहते हैं, चाहे वो आर्मी के जरिए हो, नेवी के जरिए हो या एयरफोर्स के जरिए हो। हम अपने मित्र देशों के साथ मिलके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं। खैर, मैं आज बात करने वाला हूँ मलाबार नेवल एक्सरसाइज, जो कि अपने इंडियन नेवी और दो देशों के साथ युद्ध अभ्यास करती है नेवी का, उसे ही मलाबार एक्सरसाइज कहते हैं। तो आप पूछोगे कि वो दो देश कौन से है, तो पहला देश है अमेरिका, USA, और दूसरा है जापान। उन दोनों देशों के साथ अपनी इंडियन नेवी मिलके मलाबार नेवल एक्सरसाइज करते हैं, और हालांकि वो एक्सरसाइज इस साल की शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने दोस्तों को इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन का सीक्वेंस ऐसा रहेगा दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि हम एक्सरसाइज क्या होता है और क्यों एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं ये नेवी का, और ये कहाँ पे हो रहा है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि दोस्तों इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री कैसे क्या है हिस्ट्री इसकी, हम जानेंगे तभी तो हम इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। उसके बाद अभी 2018 का जो मलाबार एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बारे में जानेंगे। और 2017 का भी इसके साथ साथ जानेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों कि कई बार एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी साल के भी पूछते हैं या पिछले साल के पूछते हैं, तो हम 2017 का मलाबार एक्सरसाइज है उसके बारे में छोटा सा जानेंगे, ताकि ये हमारा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस लोकेशन और मैप बेस पूछे जाते हैं, और जब भी हम कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे देशों का नाम उसमें आ जाता है, तो हमें उनका लोकेशन अच्छे से पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ हम मैप पे बहुत सारे जगहों का बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के निकालेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये एक्सरसाइज क्या है। ये एक ट्राईलेटरल नेवल एक्सरसाइज है दोस्तों। ट्राईलेटरल का मतलब इसका हुआ कि इसमें तीन कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। खैर, यहाँ पे तीन कंट्री का नाम है, एक तो अपना इंडिया हो गया, दूसरा है USA मतलब अमेरिका, और तीसरा है जापान। तो चलो मैं आपको उसी का लोकेशन दिखा देता हूँ कि USA कहाँ है और जापान कहाँ है, तो हम बेटर तरीके से उसको जानेंगे। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें अपना इंडिया, खूबसूरत इंडिया यहाँ पे है, और USA यहाँ पे लिखा है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी को हम अमेरिका बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको जापान मिलेगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कहीं जापान मिलेगा। तो ये तीनों देशों की नेवी मिलके जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, उसी को मलाबार कहते हैं। तो आप बोलोगे कि ये तीन तो देश बहुत ही दूर है, तो ये एक दूसरे को कहाँ मिलते होंगे, तो पिछले साल मिले थे चेन्नई में। चेन्नई का लोकेशन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ के जो USA नेवी के जो शिप्स है वो खैर हमारी पृथ्वी गोल है, तो ये ऐसे नहीं आते हैं, ये इस तरफ जाते हैं, तो ये अपने आप यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाका को पार करके इंडियन ओशियन में आ जाते हैं, और जापान के भी इसी रूट से जहाज़ आएंगे। और चेन्नई के जो बे ऑफ बंगाल में उन्होंने पिछले साल एक्सरसाइज किया था। चलो दोस्तों, और इम्पोर्टेंट इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे ट्राइलेटरल बोला मैंने, वैसे ही बायलैटरल भी होता है, मतलब दो देश मिलके एक्सरसाइज करते हैं, उसको बोलते हैं बायलैटरल, और तीन देश करेंगे तो ट्राईलैटरल। और एक बात इस एक्सरसाइज की खास यह है कि ये एनुअल एक्सरसाइज है। एनुअल मतलब एक साल में एक बार होगा, कई एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होते हैं, उसको बायनुअल बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि ये कब स्टार्ट हुई थी, तो
तो ये 1994 में इसका स्टार्ट हुआ था एक्सरसाइज, फर्स्ट टाइम वो एक्सरसाइज हमने कंडक्ट किया था। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं 1992 में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिंह राव। खैर 1991 में एक इवेंट हुआ था। क्या हुआ था 1991 में कि जो यूएसएसआर है, मतलब रशिया है आज की डेट का, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और उसके बहुत सारे कंट्रीज़ बन गए। तो आपको पता ही है कि 1991 के पहले यूएसए और रशिया ये सुपर पावर थे, मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। तो जैसे कि 1991 में यूएसएसआर का अलग अलग कंट्री में विभाजन हो गया, तो उसके साथ ही रशिया का पावर कम हो गया, तो यूएसए एक सुपर पावर बन के उभर आया 1991 के बाद। तो इंडिया ने भी सोचा क्यों ना हम यूएसए का साथ देके हमारा एक नेवल जो आर्म है डिफेंस का, उसको अच्छे से बेहतर तरीके से हम उनके साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। तो हमारे 1992 के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिंह राव, उन्होंने वहाँ अमेरिका के, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज H.W. Bush, उनसे कांटेक्ट किया और उनसे ये प्रपोजल रखा कि हम आपके साथ नेवी का युद्ध अभ्यास करना चाहते हैं। और तो वो प्रपोजल पास हो गया और फर्स्ट जो नेवल एक्सरसाइज हुई हमारी और अमेरिका के बीच, वो 1994 में हुआ। हालांकि फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ इंडिया में 1998 में, कि जो पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, पोखरण सेकेंड, एक्चुअली पोखरण वन 1974 में हुआ था, जो कि हमने जो हमारे न्यूक्लियर पावर है हमारी उसका टेस्टिंग किया था। और 1998 में ऐसा टेस्ट करके हमने सारे विश्व को एक बड़ा झटका दिया था। उसी के साथ यूएसए ने भी इसका बड़ी निंदा की थी और यूएसए बोला कि हम आपके साथ ना ही युद्धाभ्यास करेंगे, ताकि आपके साथ जो भी हमारे संबंध है उसको तोड़ देते हैं। तो 1998 में ऐसा करने के बाद इंडिया के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शन डाले गए, उसी के तहत हमारी एक्साइज वहाँ पे ख़त्म हो गई। दोस्तों उसके बाद 2002 तक आते हैं हम। 2002 में अमेरिका में आपको पता ही होगा कि 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें बहुत सारे अमेरिका का लॉस हुआ। तो अमेरिका का स्टैंड ये रहा कि हम टेररिस्ट जो ग्लोबल टेररिज्म है उसके साथ लड़ेंगे, और इंडिया ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था अमेरिका का। तो इंडिया का और जो यूएसए का संबंध है वो दोबारा अच्छा होने लगा 2002 में। तो 2002 से दोबारा ये एक्साइज स्टार्ट हो गया। हालांकि दोस्तों 1994 में फर्स्ट एक्साइज हुआ और 2002 के बीच, मतलब लगभग 8 साल में ओनली 3 बार एक्साइज हुआ, और बाकी बार हमारे और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं थे, तो उसी ईयर में नहीं हुआ। 2002 से लेके दोस्तों 2018, मतलब आज की डेट तक ये कंटिन्यूस एक्साइज चल रहा है हमारा और अमेरिका के बीच में। दोस्तों खैर इसके मैंने जैसे आपको बताया कि 3 कंट्री है, जापान, तो हालांकि जापान स्टार्टिंग में नहीं था पार्टिसिपेंट, वो 2015 में हमारा परमानेंट मेंबर बन गया मलाबार एक्साइज का। और 2007 में भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ कि दोस्तों कि जैसे कि मलाबार एक्साइज हम बोले कि यूएसए, अमेरिका और जापान के बीच होता है, पर 2007 में ये हुआ था कि जापान ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पे वो परमानेंट मेंबर नहीं था जापान, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम हमने जो एक्साइज है ये ऑफ कोस्ट ऑफ ओकिनावा, एक जापान का एक कोस्टल सिटी है, उसके नज़दीक हमने ये मलाबार एक्साइज कंडक्ट किया। उससे चाइना को बड़ी ठेज पहुंची, और चाइना का जो लोकेशन है वो जापान से काफ़ी नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं वो चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए, जापान और इंडिया मिलके एक्साइज कर रहे हैं। तो चाइना को बहुत ही बड़ा मैसेज मिला इससे। तो हमने दोबारा 2009 में भी जापान के साथ जापान के कोस्ट में जाके वो एक्साइज किया, और खैर 2015 में जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया। दोस्तों जापान के साथ साथ सिंगापुर और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, ये
इसी ग्रुप में एक्सरसाइज करते, हालांकि वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कभी कभार आते हैं तो हम भी उनको पार्टिसिपेट कर लेते हैं, पर इसके जो तीन परमानेंट मेंबर है वो है इंडिया, यूएसए और जापान। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि आज की डेट में अभी मंथ चल रहा है जून, तो अभी जून 6 को एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है और वो चलेगी 15 जून 2018 तक, मतलब लगभग ये 10 दिन का एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये हो रहा है ऑफ गुआम कोस्ट फिलीपींस। दोस्तों मैं आप इसका लोकेशन आपको बता दूँ तो बेटर रहेगा। देखिए ये वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे कई फिलीपींस है, राइट, ये यहाँ पे फिलीपींस है, तो इसके नज़दीक मतलब साउथ चाइना सी में ये एक्सरसाइज होगा। तो देखिए चाइना को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि जब भी साउथ चाइना में ऐसा कोई इवेंट होता है तो ये चाइना को स्ट्रेटेजिकली कॉर्नर करने की ही एक प्रयास होता है। तो ये फिलीपींस भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस बार, तो फिलीपींस कोट जो कोस्टल एरिया है उसके ऑफ में जाके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों कि ये 22nd एडिशन है मलाबार एक्सरसाइज का, और पिछले साल हुआ था वो 21st एक्सरसाइज था जो कि इंडिया में हुआ था। अभी देखते पिछले साल का जो एक्सरसाइज हुआ उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वो हुआ था इंडिया में, इंडिया में कहाँ पे हुआ था, जो चेन्नई सिटी अपना उसके ऑफ में, मतलब समंदर में जाके। देखिए दोस्तों इसमें और एक बात है कि ना ही हम समंदर में ही एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि हम अपने शोर पे भी, मतलब हमारे जो ट्रेनिंग स्कूल है नेवी के उसके अंदर भी उनके जो ट्रुप्स आते हैं, और हम हमारा ट्रेनिंग कैसे चलता है, उनका ट्रेनिंग कैसे चलता है उसके ऊपर भी डिस्कशन होता है, और उसके साथ साथ हम अपना जो स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, हालांकि क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स है या क्लासिफाइड हमारा जो डाटा है हम एक दूसरे के साथ कोई भी कंट्री शेयर नहीं करता है, जो बेसिक्स हम कैसे एक दूसरे शिप के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, हम कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई सिचुएशन ऐसी वार लाइक सिचुएशन आ जाए तो हम एक दूसरे को कैसे बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके हम अपने मित्र देशों को बचा सकते हैं, तो ये सारा अभ्यास होता है नेवल एक्सरसाइज में। तो हम खैर बात करें 2017 की, पिछले साल की, ये हुआ था चेन्नई में, और चेन्नई आता है बे ऑफ बंगाल में। तो मेन गोल था दोस्तों इस एक्सरसाइज का कि सबमरीन हंटिंग, सबमरीन मतलब पनडुब्बी को ढूंढ के निकालना, ये सबसे इम्पोर्टेंट गोल था पिछले साल की मलाबार एक्सरसाइज का। तो आप बोलोगे कि सबमरीन को क्यों ढूंढ के निकालना है, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ही आज की डेट में अच्छा नहीं है। हमें पता है कि रिसेंटली जो डोकलाम इश्यू हुआ तो वो जो स्टैंड अप हुआ उसके कारण हमारे जो संबंध है वो बहुत ही बेकार हो गए, बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो हमारे जो इंडियन ओशियन है उसमें चाइनीज के, हम देखते हैं कि चाइना ने जो श्रीलंका के ऊपर एक श्रीलंका में भेज दिया सबमराइन, या पाकिस्तान के और चाइना के जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे है, तो पाकिस्तान के जो पोर्ट है उसमें उसने पनडुब्बी भेज दी, ऐसे हम न्यूज़ में या टीवी में देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि सबमराइन से बहुत ही खतरा है एक अपने इंडियन नेवी को चाइना की सबमराइन से, तो उस सबमराइन के साथ एंटी सबमराइन वारफेयर कैसे करना है, उसका जो युद्धाभ्यास है वो मेन गोल था पिछले साल के मलाबार एक्सरसाइज 2017 का। देखिए पिछले साल की नेवल एक्सरसाइज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही जाइंट मतलब बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स तीनों देशों के शामिल हुए थे। सबसे पहला अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है INS विक्रमादित्य, जिसका वजन है 44 किलो टन्स, मतलब 44,000 किलो टन्स की ये वेसल है, ये जहाज़ है, बहुत ही बड़ा वेसल है। इससे हम क्या एयरक्राफ्ट उस पर लैंड होते हो और टेक ऑफ भी होते हैं, तो इसके सारे हम युद्ध अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो विक्रमादित्य पार्टिसिपेट किया, तो जापान का जो हेलीकॉप्टर कैरियर है उसका नाम है इज़मुओ, जो कि 27,000 टन का है उसका वेट, जिसने भी पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों इसके साथ साथ ही यूएस का जो न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर है, ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो तो सुपर मतलब सबसे
वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसका नाम है यूएसएस निमिट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कीजिए। और इसका वेट जो कि सबसे ज़्यादा 1 लाख टन, हम अगर इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे तो भी इसका वेट हम नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो आप देख सकते कि कितना बड़ा ये जहाज़ है। तो पिछले साल की एक्साइज का यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बड़े बड़े जहाज़ है तीनों देशों के, उन्होंने डिप्लॉय किए थे और काफ़ी अच्छा एक्साइज हुआ था हमारा। दोस्तों हम अभी प्रैक्टिस करते हैं कि जॉइंट मिलिट्री एक्साइज है आर्मी नेवी एयरफोर्स के, उसके ऊपर हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया और यूएस के साथ हमारे आर्मी का कौन सा एक्साइज होता है। तो आर्मी का एक्साइज का नाम है दोस्तों युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। ये हमारा और यूएस का आर्मी का एक्साइज का नाम है। नेवी का एक्साइज आपको तो पता ही है, मलाबार, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मलाबार। और जो अपना एयरफोर्स है जो यूएस की एयरफोर्स के साथ जॉइंट एक्साइज करता है, उसका नाम है दोस्तों रेड फ्लैग। ये वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको याद अच्छे से कीजिए। अभी हम दूसरा कंट्री लेते हैं, अभी हम जापान लेते हैं दोस्तों, जापान लेते हैं। जापान के साथ हम कौन से एक्साइज करते हैं, तो जापान की जो आर्मी है उसके साथ हम एक्साइज नहीं करते हैं दोस्तों, हम उसके साथ एक्साइज नहीं करते। नेवी के साथ हमें तो पता ही है मलाबार, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, मलाबार हो गया। और उसका एयरफोर्स है उसके साथ हम एक्चुअली नहीं करते हैं, पर कि हमारा जो कोस्ट गार्ड है और जापान का कोस्ट गार्ड है उसके साथ हम एक्साइज करते हैं कोस्ट गार्ड के साथ। तो उसका जो नाम है वो है सहयोग कैजन, सहयोग ये हमारा कोस्ट गार्ड और जापान का कोस्ट गार्ड ये एक्साइज करता है। ये रिसेंटली हुआ था 2016 में चेन्नई में, इसको भी याद रखिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारा और फ्रांस के बीच में जो एक्साइज होते हैं उनके नाम्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं आर्मी का, आर्मी का जो एक्साइज है उसका नाम है शक्ति, शक्ति है। उसके बाद दोस्तों नेवी का जो एक्साइज है हमारा वो फ्रांस के बीच में, उसका नाम है वरुणा, वरुणा मतलब समंदर, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। और जो एयरफोर्स है उसके साथ होता है एक्साइज, उसका नाम है गरुड़ा। देखिए दोस्तों फ्रांस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारा तीनों जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है उनका एक्साइज होता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं शक्ति वरुणा और गरुड़ा। उसके बाद दूसरा कंट्री लेते हैं दोस्तों, अभी लेते हैं श्रीलंका। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि श्रीलंका, श्रीलंका के साथ कौन सा हमारा एक्साइज होते हैं। तो श्रीलंका के साथ जो आर्मी का एक्साइज है उसका नाम है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। देखिए शक्ति जो एक्साइज है वो अलग है और यहाँ पे मित्र शक्ति है। शक्ति जो एक्साइज है वो है फ्रांस के साथ और यहाँ पे मित्र शक्ति है। जो नेवी का एक्साइज है उसका नाम है स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स। ये हालांकि वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा यहाँ पे, पर ये याद रखने में काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका का SL लेंगे हम और इंडिया का IN लेंगे और EX मतलब एक्साइज, श्रीलंका इंडिया एक्साइज, स्लाइनेक्स जो कि नेवी का एक्साइज है। हालांकि हम डिफेंस एयरफोर्स का एक्साइज नहीं करते हैं श्रीलंका के साथ। दूसरा कंट्री लेते हैं दोस्तों, अभी अभी लेते हैं चाइना। आपको पता ही, आप हमारा और चाइना का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम अपने आर्मी के साथ एक्साइज करते हैं, उसका नाम है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड मतलब हाथ में हाथ। ओके, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, हाथ में हाथ लेके दुश्मनी कर रहे हैं हमारा। हालांकि
नेवी का एक्साइज नहीं होता है चाइना के साथ, और एयरफोर्स का भी एक्साइज नहीं होता है। दोस्तों दूसरा कंट्री लेते हैं नेपाल, जो कि अपना पड़ोसी है। चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल आता है, तो नेपाल की जो आर्मी है उसके साथ हम एक्साइज करते हैं, उसका नाम है सूर्य किरण। देखिए चाइना एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब उसको उसका कहीं समंदर से संबंध नहीं है, इसीलिए हम उसके साथ नेवल एक्साइज नहीं कर सकते और एयरफोर्स का भी एक्साइज हम उसके साथ नहीं करते हैं। दूसरा कंट्री लेते हैं दोस्तों मंगोलिया। देखिए मंगोलिया बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है हमारा, क्योंकि जो मंगोलिया है वो चाइना के सीधा ऊपर आता है मंगोलिया, तो चाइना के साथ उसका रिलेशन इतना अच्छा नहीं है और हमारा भी चाइना के साथ इतना अच्छा नहीं है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। वैसे हमारा मंगोलिया के साथ भी जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम है दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी, नोमैडिक एलिफेंट ये एक्साइज का नाम है। ये जो पिछला सीडीएस एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि हम नेवी का एक्साइज नहीं करते इसके साथ, ये भी लैंडलॉक कंट्री है और एयरफोर्स का भी एक्साइज नहीं करते हैं। दूसरा कंट्री लेते हैं दोस्तों कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इसके साथ जो हमारा मिलिट्री एक्साइज है आर्मी का उसका नाम है प्रबल दोस्तिक, प्रबल दोस्तिक। उसके बाद दूसरा कंट्री लेते हैं दोस्तों यूके, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के साथ जो हमारा आर्मी का एक्साइज होता है उसका है नाम अजेया वॉरियर, अजेया वॉरियर। उसके बाद दोस्तों जो नेवी है यूके का उसके साथ जो एक्साइज होता है उसका नाम है कोकन। देखिए यहाँ पे मलाबार और कोकन में ये संबंध है दोस्तों, उसको याद करने के लिए मैं एक मैप के हिसाब से मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए हमारा जो कोस्ट लाइन है जो ब्लैक कलर की डार्क लाइन से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला डार्क लाइन ये हमारा कोस्ट लाइन है। यहाँ पे दोस्तों गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये हमारे जो स्टेट्स आते हैं कोस्ट लाइन पे। और यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है उसको रीजन नेम बोलते हैं कोकण। तो हमारा जो यूके के साथ जो नेवल एक्साइज है ये इसी के नाम पे दिया है कोकन, और ये महाराष्ट्र का साउथ वेस्ट पार्ट से लेके नीचे तमिलनाडु तक इसको बोलते हैं मलाबार रीजन। तो आप ये नाम याद रखेंगे तो आप अच्छे से उसको याद कर पाएंगे मलाबार। हालांकि अपना यूएसए और जापान के साथ एक्साइज होता है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और कोकन जो कि यूके के साथ जो नेवल एक्साइज होता है उसी का नाम है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट ट्राइलेटरल एक्साइज होता है, ट्राइलेटर मतलब तीनों देशों से मिलके। कौन सी तीन कंट्रीज है वो है, एक इंडिया अपना, दूसरा कंट्री है ब्राज़ील और तीसरा कंट्री है दोस्तों साउथ अफ्रीका। तो ये तीन कंट्रीज़ एक दूसरे से मिलके एक्साइज करते हैं ट्राइलेटरल एक्साइज, उसका नाम है इप्समर, इप्समर। देखिए ये आसान है याद रखने के लिए इप्समर। इसमें भी ट्रिक्स ऐसी है, आई है इंडिया के लिए, बी फॉर ब्राज़ील, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका, और ये खाली आपको याद रखना है मार, मतलब इप्समर से हम ट्राइलेटरल एक्साइज को याद रख सकते हैं। दोस्तों आज का जो लेक्चर आप सुन रहे हैं वो
लेक्चर आप एक यूट्यूब चैनल से सुन रहे हैं, उसका नाम है लास्ट अटेम्प्ट। दोस्तों यहाँ इस चैनल पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि आपको इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन करना है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, और इंडियन कोस्ट गार्ड को भी ज्वाइन करने के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, और जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, या हमारा जो ट्रेनिंग होता है इंडियन नेवी का उसके बारे में भी हमारे वीडियो बनाया, उसमें बहुत सारे टिप्स बताया है, या जो स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर, या एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है, फिजिकल फिटनेस कैसे रखे उसका एग्ज़ाम करने के लिए क्या तैयारी करनी है, या जो चिल्का झील है उसके विजिट करके भी हमने एक अच्छा सा वीडियो डाला है, वो सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपके टाइम के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।